जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्प। दोस्तों आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड टेस्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लाए हैं, आपके एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल या हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है क्या रेडियोधर्मी क्षय का पालन करता है। तो आपका राइट आंसर जो दिख ही गया है, प्रथम कोटि बलगीति। आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कार्बाइड पानी से क्रिया करके क्रिया करता है, हमें मिलता है क्या मिलता है। तो आपका मीथेन मिलता है। HCN का जल अपघटन देता है। तो दोस्तों आपका फॉर्मिक एसिड देता है। समुद्री जल में निकाली गई धातु है। तो आपका हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम। बेंजाल्डिहाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर देता है। तो आपका हो जाएगा बेंजोइक क्लोराइड। आपसे पूछा है यहाँ पे 1/1000 एन को आपका KOH विलयन का pH मान है क्या है। तो 11। एक एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा। नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा कार्बन की। ऑक्सीकरण पर एक एल्डिहाइड देता है। तो आपका एक एसिड। इंसुलिन एक हार्मोन रासायनिक रूप से एक है क्या है। तो दोस्तों प्रोटीन है। कांस का मिश्र धातु से बनी है। तो आपका हो जाएगा कॉपर और टिन। एक तत्व के नाभिक में 19 प्रोटॉन है, इसका संयोजकता है। तो आपका एक हो जाएगा। आपसे पूछा है CH3CH का सही रासायनिक नाम है। तो आपका हो जाएगा मिथाइल प्रोपेन। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। तो दोस्तों आपका तुलनात्मक रूप से निष्क्रिय। एक विद्युत धारा निम्नलिखित के जलीय विलयन के माध्यम से पारित किया जाता है जिसमें से एक विघटित होगा। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। SO2 की ब्लीचिंग अणु इसके कारण है। तो दोस्तों आपका अपचायक गुण के कारण। पूछा गया है आपका 273 केल्विन पर 0.1 मोल विलेय प्रति लीटर विलयन के परासरण दाब वायु में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, 0.1 × 0.08025 × 273 आपके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा बन से। राइट आंसर नेक्स्ट देना है आपको। सबसे अधिक अपचायक तत्व है। तो आपका दोस्तों पोटेशियम। निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक है। तो आपका राइट आंसर जाएगा अमोनियम नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन ऑक्सीकरण ह्रास गैस कही जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा N2O। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक निष्कर्षों के साथ डेटिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊपर C के कार्बन के ऊपर 14 और नीचे 6। आपका नेक्स्ट है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कभी कभी प्रकृति मूल रूप में पाई जाती है। तो आयरन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आपकी कम से कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाती है। तो आर्गन। पूछा है स्टार्स का उपयोग निशान के पता लगाने के संकेतक के रूप में किया जाता है। तो आपका जलीय विलयन में आयोडीन के उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व है। तो आपका नाइट्रोजन। दूध कोलाइडल आपकी प्रणाली है जिसमें आपका बसा पानी में परिक्षिप्त होता है। अमोनियम साइनेट या यूरिया को गर्म करके हमें मिलता है। तो दोस्तों आपका बाई यूरेट मिलता है। NI की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। आपसे पूछा है कांच है क्या है। दोस्तों अति शीतित द्रव है कांच। चलिए अगला टेस्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या DNA का पूर्ण जल अपघटन हाइड्रोलिसिस उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आपका क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है आपका आपका β-D-2-DOX-राइबोज-फॉस्फेट अम्ल एडिनिन। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत अम्ल है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल और नीचे आपका हो जाएगा OH और यहाँ पर NO2। नेक्स्ट है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नी बाहुलक है। तो आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6। पूछा है आपसे दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक में C का 40.6687% पी आपका H का 5.085% और शेष ऑक्सीजन इसका आनुभविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र है। तो आपका राइट आंसर जाएगा C2H3O2। पूछा है
गैर वाष्पशील विलेय युक्त एक विलेय का मूल अंश 0.20 है और विलायक का वाष्प दाब 0.75 atm है। विलयन के वाष्प दाब में निम्न क्या है? तो राइट आंसर है आपका 0.15 atm। के खालिस्तान के निर्माण के लिए तनुकृत क्षारीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका IO3- के साथ। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा CH3CHO और C6H5CH2CHO के बीच भेद करने के लिए उपयुक्त परीक्षण है? तो आपका आयोडोफोन परीक्षण। पोटेशियम डाइसायनो अर्जेंट आपका आई में रोमन अंक आई का प्रतिनिधित्व करता है, तो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। जिस विटामिन में धातु परमाणु मेटल एटम होता है तो वह निम्न है, तो आपका विटामिन B12। पूछा है एक विलयन में CaCl2+ AlCl3 का मिश्रण है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में केवल Al को अवक्षेपित करने के लिए आपको मिलाना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा NH4Cl+ NH4OH। आपका फ्राइंडलिस अधिशोषण समतापी वक्र में IN का मान है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी स्थितियों में 0 और 1 के बीच। नेक्स्ट है एक गैस 2 atm की नियत दाब के अंतर्गत 200 मिली से 500 मिली तक प्रसारित होती है, गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, तो यहाँ पर -60T 795 जूल। पूछा है जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम -1 है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर जल के एक मोल के वाष्पीकरण के दौरान प्रेक्षित एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करनी है आपको 26 कैलोरी मोल -1। पूछा है एक ठोस में ऑक्साइड आयन SCCP आपका CCP में व्यवस्थित होते हैं, चतुष्फल की रिक्तियों के 2/3 पर धनायन M अधिकार रखते हैं और अष्टफल की रिक्तियों के 1/3 पर धनायन N अधिकार रखते हैं, यौगिक का सूत्र क्या है? तो आपका M4NO3 होगा। पूछा है यदि KCl को SrCl2 के साथ आपके K10^-4 mol% के साथ मिला दिया जाता है तो धनायन रिक्तियों की सांद्रता क्या है? तो 6.02 × 10^17 आपका राइट आंसर है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 1 घंटे में 25% तक कम हो जाती है, अभिक्रिया का अर्धायु काल है, तो आपका राइट आंसर जाएगा 1/2 आवर या घंटा। आपका 37 के बराबर द्रव्यमान संख्या वाले ऋणायन एक्स में नकारात्मक आवेश की एक इकाई है, यदि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में 11.2% अधिक न्यूट्रॉन है तो ऋणायन का प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर जाएगा आपका 17^(x^37-) आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एंट्रोपी घट जाती है? तो आपका रबर बैंड का तनन में एंट्रोपी लेस हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर द्वि परमाणविक जाति है? तो यहाँ पर आ जाएगा N2। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक 60% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म होने पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देगा? तो आपका बेंजल्डिहाइड। निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु में अंतिम कोष के एस कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता? तो आपका PD आपका Z=46 आएगा। तत्वों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म में इलेक्ट्रॉनों के सममित वितरण के कारण स्थिरता प्राप्त करने के लिए विसंगतिपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? यहाँ पर Z का मान दिया गया है, तत्व PQRS क्रमशः 27, 29, 24, 22 के समान है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा Q और R। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं दर्शाया जाता? तो आपका इसकी आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मित विषम दैशिकता एनाटॉपी दर्शाएगा? तो आपका दोस्तों जो CaF2 है और जिंक आपका ZnSA दर्शाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारी होगा? तो आपका सोडियम एसीटेट। अंडे की एल्बुमिन के आणविक द्रव्यमान को यथार्थता से निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से अणुशंख गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर जाएगा परासरण दाब का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बफर विलयनों का उपयोग शामिल करती है? तो आपका रक्त का pH बनाए रखना। आपका पूछा है 2NO+ आपका Cl2, यहाँ पर रिएक्शन के लिए 2NOCl की अभिक्रिया दर को दर समीकरण दर के स्थिरांक दिया है, तो आपका NO के NO
आपके यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है स्क्वायर में Cl2 आपका के द्वारा किया जाता है, दर स्थिरांक का मान द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो दोस्तों तापमान में वृद्धि करके बढ़ा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया 1/2 मतलब कि ए, आपके यहाँ पर रिएक्शंस के लिए 2b के लिए ए के लुप्त होने की दर रेट ऑफ डिस आपका डिसअपीयरेंस, बी के प्रकटीकरण की दर रेट ऑफ अपीयरेंस से खाली स्थान व्यंजक द्वारा संबंधित है, तो आपका डी यहाँ पर ए ब्रैकेट में दिया अपॉन डी टी माइनस में है जी सारी चीजें इक्वल 1/4 डी यहाँ पर बी अपॉन डी टी। लास्ट क्वेश्चन है पूछा है आपका जो यूरेनियम 238 रहता है 92 से आपका 82 आपका लेड 206 तक नीचे जाने में कितने और अल्फा माइनस और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, तो राइट आंसर जाएगा अल्फा इक्वल 8 और बीटा इक्वल 6, राइट आंसर यही है। चलिए देखते हैं अगला टेस्ट। चलिए दोस्तों इस टेस्ट का हमारा क्वेश्चन है पूछा है नाभिकीय अम्लों में मौजूद नाइट्रोजनी क्षारकों का यह समूह एक निम्नलिखित समूह, इस समूह में पिरामिडिनों की कुल संख्या क्या है, यूरेसिल ग्वानिन थायमिन आपका एडेनिन और साइटोसिन बताइए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। नेक्स्ट है आपका स्थिरता के घटते क्रम में निम्नलिखित आयनों की व्यवस्था करें, तो आपका राइट आंसर जाएगा H2 आपका ये बड़ा है H2+ से फिर आपका H2- आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड है, तो आपका लाइसिन। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिलीन के संबंध में गलत है, तो राइट आंसर जाएगा आपका टेरिलीन को परिवर्तनीय बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, जब तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पर गर्म तावे के ऊपर से गुजारा जाता है तो आपका 2-2-मिथाइल प्रोपीन बनता है। पूछा है एक अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक 10 है, यदि आर बराबर 8 Ge-1 मतलब कि आपका मोल आपका -1 और टी इक्वल 300 के है, तो अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी आपका 0 का मान क्या है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ब्रैकेट में -. आपका 5.527 क्लोजूल आपका इनवर्स है और मोल इनवर्स है। चलिए पूछा है आपका प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु 6.93 मिनट है, रासायनिक अभिक्रिया के 99% तक पूरा होने के लिए आवश्यक समय होगा, तो आपका 46.06 मिनट। रासायनिक अभिक्रिया की दर तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ दोगुनी हो जाती है, यदि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर हो जाएगी 32 गुना। पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान 75 वाला तत्व 5 एंगस्ट्रॉम फलक लंबाई के साथ घनीय जालक में क्रिस्टलीय होता है, यदि तत्व का घनत्व 2 Gcm-3 है तो धातु परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए 2.165 एंगस्ट्रॉम। आपका रेडियोधर्मी 6 स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव होता है, तो आपका तापमान में बदलाव से है अप्रभावित रहता है। पूछा गया है एक प्रयोग में यह प्रक्षेपित किया गया है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की एंथैल्पी क्रमशः 3-393 पॉइंट और आपका -283 kJ-1 मोल इनवर्स है, केजी मोल इनवर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण की एंथैल्पी की गणना करें, तो आपका राइट आंसर होगा आपका जो ब्रैकेट में माइनस और 110.5। पूछा किसी परमाणु में दिए गए सेल के लिए एक कक्ष में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों में से किसमें अधिकतम नकारात्मक ऊर्जा का मान होगा, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा आपका एस में। पूछा गया है एक यौगिक 3 तत्वों एक्स वाई और जेड से मिलकर बना हुआ परमाणु एक्स यूनिट सेल के प्रत्येक कोने में उपस्थित है, वाई परमाणु प्रत्येक कोर पर उपस्थित है और जेड परमाणु प्रत्येक फलक केंद्र में उपस्थित है, यौगिक का सूत्र होगा आपका X Y 3 Z 3। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक आकार चयनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो आपका एल्कोहल में गैसोलीन के रूपांतरण। पूछा है निम्नलिखित में से किस जाति में समन्वय सहसंयोजी आवरण नहीं होता, तो आपका HCOOH में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड नहीं है, तो राइट आंसर होगा PU। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम एंट्रोपी है, तो आपकी ओके पर ऑक्सीजन गैस,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान आयनन प्रभाव दिखाएगा? तो आपका सोडियम स्टीरेट और सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस यौगिक में वॉइंटहॉफ गुणांक का उच्चतम मान होगा? तो आपका Al2 ब्रेकेट में SO4 आपका ब्रेकेट क्लोज 3। पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60% 60 मिनट में पूरा हो गया था, तो उसी अभिक्रिया का 50% लगभग कितने समय में पूरा होगा? तो 45.31%। पूछा है दो उप परमाणविक कण विभिन्न वेगों के साथ गतिशील हैं। यदि कण एक्स की तरंग दैर्ध्य 10×10⁸ मीटर है, तो कण वाई की तरंग दैर्ध्य क्या होगी यदि इसका संवेग एक्स के संवेग का चौथाई है? 4.0×10⁻¹ मीटर। दिए गए यौगिक एथिल बेंजोएट और ब्यूटेनिक एसिड के योग द्वारा प्रदर्शित साम्यवस्था का प्रकार है, तो आपका कार्यात्मक समूह साम्यवस्था। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है। आपका मोटर वाहन का एक रेडिएटर 2 लीटर एथिलीन ग्लाइकोल घनत्व 1.20 g/mL इनवर्स सहित 8 लीटर पानी से भरा होता है, वह न्यूनतम तापमान क्या है जिस पर रेडिएटर में पानी जमने का खतरा पैदा किए बिना वाहन को खड़ा किया जा सकता है? पानी के लिए F बराबर 1.86 के मोल इनवर्स दिया है, M इनवर्स आपका माइनस 8.4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आपका प्रोप डे आपका यहाँ पर N -1 और आपका ऑल में सिग्मा और पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है तो आपको बताना है, और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड 7 और पाई बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 7 पाई बॉन्ड 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 996 डिग्री सेल्सियस पर दी गई अभिक्रिया हेतु केपी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाने वाला है 3.29×10⁻¹। नेक्स्ट आपसे पूछा दो आयनों एक्स प्लस और एक्स माइनस की आयनिक त्रिज्या क्रम था 88 और 200 pm है। एक्स बाय यौगिक के बंद पैक्ड क्रिस्टल में एक्स प्लस की समन्वय संख्या होगी तो 6। गए आप यहाँ पर रिएक्शन दिए गए, निम्नलिखित प्रक्रिया में SO3 गैस का किस प्रकार उत्पादन बढ़ाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा तापमान में कमी और दबाव में वृद्धि करके। आपका पूछा है KuNH3 4SO4 की समन्वय संख्या सहित एक समन्वय यौगिक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, तो आपका 4 राइट आंसर होगा। आपसे पूछा है निम्नलिखित युग्मकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका S से बड़ा P है, P से बड़ा R है, R से बड़ा Q है। आपसे पूछा है KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण पर इथाइल में बेंजीन निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बनाता है? तो राइट आंसर जाएगा आपका क्या, आपका जो राइट आंसर जाने वाला है फ्रेंड्स आप देखिएगा यहाँ पर बेंजोइक अम्ल। चलिए देखते हैं अगला टेस्ट। चलिए हमसे पूछा है दोस्तों क्या ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद है? तो आपका जो राइट आंसर जाने वाला है यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रणाली नॉन एरोमेटिक है? तो आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ सिंगल, यहाँ पर कोई ना जुड़ा है ना बेंजीन ओनली। आपको पूछा लैंथेनॉइड GD केवल 3 0 आपके +3 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है क्योंकि GD के तीसरे आयनीकरण एंथैल्पी का मान कम है। पूछा है सक्रियकृत संकर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अभिकारक अणुओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को निम्न के रूप में जाना जाता है, तो आपका सक्रियण ऊर्जा के रूप में। यदि एक तरल के बाष्पीकरण की एंथैल्पी 30 kJ mol -1 है और बाष्पीकरण की एंट्रोपी 75 J mol आपका 1 K-1 है, तो तरल का क्वथनांक होगा तो आपका 400 K। पूछा है क्वांटम संख्या N=4 और स्पिन मान आपका इक्वल में दिया -1/2 वाले एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी? तो आपकी 16। पूछा गया नीचे दिए गए बहुलकों पॉलीमर्स के लिए प्रत्यास्था इलेक्ट्रोमर्स की कुल संख्या क्या है? पॉलीस्टायरीन आपके वल्कनाइट रबड़ नियोप्रेन ग्लिप्टल पॉली आइसोप्रीन आपका पॉलीविनाइल इलेक्ट्रो आपका इलेक्ट्रोराइड आपका ब्यूना एंड मेलामाइन, तो आपका राइट आंसर जाएगा 4। पूछा है आपसे 40% C2H5OH 20% CH3OH आपका 40% दिया है H2O वाले विलयन में इथाइल एल्कोहल का मोल अंश क्या होगा? तो आपका 0.23। पूछा है उस क्रिस्टलीय प्रणाली का नाम क्या है जिसमें कोई भी अक्षीय लंबाई समान नहीं होती लेकिन सभी अक्षीय कोण 90 डिग्री होते हैं? तो आपका राइट आंसर जाएगा विषम लंबाक्ष।
एक और पूछा है, लवर ए को जब क्लोराइड लवर बी की उपस्थिति में H2SO4 के साथ उपचारित किया जाता है तो यह नारंगी लाल वाष्प देता है, लवर ए क्या है? तो आपका राइट आंसर जाएगा K2Cr2O7। पूछा है आपसे, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स खालिस्तान संकरण से परिणाम स्वरूप मिलता है, तो आपका DSP2 संक्रमण द्वारा है ना, संक्रमण। पूछा है मैग्नीज ऑक्साइड के एक नमूने का औसत MnO.98 आपका O1 है, Mn का कौन सा अंश Mn2+ यहाँ पर आयन दिया गया है और एंड Mn3+ आयने थे आयनों के रूप में अस्तित्व में है, तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपका जे। यहाँ पर परसेंटेज में दिया है ऑफ Mn3+ इक्वल 4%। पूछा गया है आपसे, टमाटर के जूस का pH 4 होता है, इसमें हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता की गणना करें, तो आपका 0.0001 आ जाएगा। आपका पेप्टाइजिंग एजेंट है तो आपका दोस्तों हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट। पूछा है जब एक आदर्श गैस का 1 मोल 300 K के नियत तापमान पर 1.0 bar से 5.0 bar तक उत्क्रमणीय रूप से संपीड़ित किया जाए तो किए गए कार्य की गणना करें, तो आपका आ जाएगा 4.01 kg। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो आयनिक आबंध के गठन को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर जाएगा धनायन की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणायन अनुनाद रिसोनेंस द्वारा स्थिर नहीं है, तो आपका राइट आंसर जाएगा MnO4। पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक विटामिन बी है, तो राइट आंसर जाएगा आपका एस्कॉर्बिक। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन आदर्श विलयन के नकारात्मक विचलन दिखाएगा, तो राइट आंसर जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा 32Ge76 का सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन है, तो आपका राइट आंसर जाएगा 33As और आपका 77। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु त्रिज्या और फलक केंद्रीय घनी इकाई सेल की कोर लंबाई के बीच सही संबंध है, तो राइट आंसर जाएगा R=a। यहाँ पर मतलब कि दिया गया है आपका (2)√2। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लुईस एसिड है, तो आपका Bcl3, FeCl3। पूछा गया एक उप परमाणविक कण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी जिसका द्रव्यमान 1 इलेक्ट्रॉन के समान और 4.0 × 10⁻¹⁷ अब आपका मीटर सेकंड के समान वेग के साथ चलता है, तो राइट आंसर जाएगा 1.78 × 10⁻¹⁷ एक और लास्ट है, जब एथेनॉल को 298 केल्विन पर शांत H2SO4 की बूंदों के साथ उपचारित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होगा, तो राइट आंसर जाएगा पैराएल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है, तो आपका FCH2 आपका COOH और आपका नेक्स्ट है। पूछा गया है आपसे निम्नलिखित अभिक्रिया में एसिटिलीन में C=C की बॉन्ड ऊर्जा की गणना कीजिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर जाएगा एक 825 kJ mol 1। लास्ट नेक्स्ट और क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं है। पूछा है कार्बनिक हेलो यौगिकों का IUPC नाम बताइए, तो राइट आंसर जाएगा 1-ब्रोमोब्यूट-2-इन। नेक्स्ट एक और है, एक प्रथम कोटि गैस प्रावस्था अभिक्रिया AG आपके जो दिया है रिएक्शंस 2Bg+CgPO के लिए प्रारंभिक दबाव A और समय T पर कुल दाब PT है, एकीकृत दर समीकरण है, तो आपका आ जाएगा K=2.303/T log। जी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर PO/PO-PT। नोट इट इज रॉन्ग, यहाँ पर जे करेक्ट K=2.303/T log आपका 2PO/3PO-T। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के 10 मोल और हाइड्रोजन के 30 मोल को 1 लीटर कंटेनर में एक साथ मिश्रित किया जाता है, यदि दी गई अभिक्रिया में 25% नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित की जाती है तो कंटेनर में मोलों की संख्या आपको फाइंड करनी है, तो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाने वाला है 35 मोल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक डाइसैकेराइड है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाने वाला है फ्रेंड्स वो जाएगा क्या आपका दाक्षशर्कराएं या डेक्सट्रोस। पूछा है निम्नलिखित अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की
ऊर्जा 13.6 eV है तो निम्नलिखित में से प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, -3.4 eV। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन एक तनुकृत विलयन के वॉन्ट ऑफ गुणांक को प्रभावित नहीं करेगा, तो विलयन का समावयवीकरण। हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षारक है तो आपका N3-1। एक न्यूट्रॉन की हानि खाली स्थान के समतुल्य होती है तो राइट आंसर जाएगा एक बीटा माइनस कण की हानि के। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को इसके 1/16 मान तक घटने में कितना समय लगेगा, तो राइट आंसर जाएगा 4.6 × 10⁻²⁪ सेकंड। एफसीसी संरचना में चतुष्फल की रिक्तियों की कुल संख्या होती है तो राइट आंसर जाएगा 8। पूछा है मजबूत क्षारीय माध्यम में एक ऑक्सीकरण का कारक के MnO4 का समतुल्य द्रव्यमान क्या है, तो राइट आंसर जाएगा 158। आपका पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन पर नियमनिष्ठ आवेश, आपका फॉर्मल आवेश क्या है, तो राइट आंसर जाएगा 3+3। पूछा है Kv=2 × 10⁻⁵ वाले NH4OH के 0.1 mL में OH-1 की सांद्रता क्या है, तो आपका राइट आंसर जाएगा 1.41 × 10⁻³ मोल इनवर्स। पूछा है आपसे दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड रिक्त स्थान संक्रमण प्रदर्शित करता है, इसका ब्लैंक स्पेस आकार क्या होगा, तो दोस्तों आपका यहाँ पर sp3d2 अष्टफल की है। एक रेडियो सक्रिय तत्व एक कमरे के फर्श पर फैल जाता है, इसका अर्धायुकाल 30 दिन है, यदि प्रारंभिक सांद्रता अनुमेय मान का 10 गुना है तो कितने दिनों पश्चात कमरे में प्रवेश करना चाहिए, तो 100 दिन। पूछा है आपसे किसी तत्व के विटामिन एक्स को एक छुदा विटामिन या एपेटाइट विटामिन कहा जाता है, यह पानी में घुलनशील होता है और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मदद करता है, इसकी कमी बेरी। तो दोस्तों आपका जो आ जाएगा थायमिन, लैंग्वेज घुमाया है। NaCl क्रिस्टल के कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं तो आपके सेंटर्स एफ केंद्रों में। उस यौगिक की पहचान करें जिसमें सल्फर ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करता तो आपका SF4। पूछा है सामान ब्लैक में विभिन्न गैर बाष्पशील और गैर आयनिक विलयों के सममूलीय इक्विमोलर विलयन में होते हैं, तो राइट आंसर जाएगा समान क्वथनांक व समान हिमांक। निम्नलिखित में से किस डी कक्षक का एक अलग आकार होता है लेकिन बाकी डी कक्षकों के साथ अपक्रस्ट जी जनरेट है, तो आपका DZ²। निम्नलिखित में से उपर्युक्त अभिकर्मक कौन सा है जिसे 1-फिनाइल प्रोपेन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपका KMnO4/OH। पूछा गया है आपसे क्या, आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन CuNH3SO4 के बारे में सही है, तो आपका राइट आंसर जाएगा यह अनुचुंबकीय संकुल और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। आपका AlOH3 विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावी होगा, तो Mg3PO4 आपका होल स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होता है, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा O2। एक अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है जब उसका तापमान 300 केल्विन से 310 केल्विन तक परिवर्तित हो जाता है, इस तरह की अभिक्रिया की संक्रमण ऊर्जा R=8.314J की मतलब जूल, आपके यहाँ पर K-K इनवर्स दिया है, मोल इनवर्स होगी, तो राइट आंसर जाएगा 53.6 K मोल इनवर्स में। H2Cl2 और HCl की आबंध वियोजन ऊर्जा 110, 52 और 103 किलो कैलोरी मोल है, आपके HCl गैस के निर्माण की पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी होगी, तो आपका आ जाएगा -22 आपका किलो कैलोरी। पूछा है यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह देता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc सत्य है, तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर H2G+Cl2G=2HClG, मतलब कि यहाँ पर बराबर में आ रहा है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन आयोडीन परीक्षण नहीं देता, तो आपका propane-1-all। निम्नलिखित में से कौन सा कथन NaOH6 के संदर्भ में असत्य है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर जाने वाला है
9,9,6,6,6 प्रत्यास्थ कल है, प्रत्यास्थ लक है। पूछा है आपसे क्या दी गई अभिक्रिया में एच आई के निर्माण की पूर्ण ऊष्मा की गणना करें। तो H2+I2, यहाँ पर 2HI, आपका ΔH 20 से 40 किलो कैलोरी मोल। तो राइट आंसर आपका जानने वाला है यहाँ पर दोस्तों 10 to 10.20 किलो कैलोरी मोल। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। तो यहाँ पर उत्पाद की पहचान करना है आपको इस रिएक्शन को देखते हुए। तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो राइट आंसर है H3C, आपका सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर आपका OH जुड़ा हुआ है, फिर CH2, फिर CH2OH। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों से बर्फ के ऊर्ध्वपातन की पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी को ज्ञात करें। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर जाने वाला 48.75 किलो जूल मोल इनवर्स। चलिए, ये हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। जय हिंद।